नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान, लेकिन बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। भिवाड़ी में फूलबाग चौक के पास एक युवक अज्ञात वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस ने भिवाड़ी सामुदायिक केंद्र भिजवाया गया। मामला फूलबाग थाने का है, जहाँ गटाल बाल्मीकि निवासी देशराज को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया। घायल अवस्था में युवक को 108 की मदद से भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल ले आया गया। मौके पर जाकर जब हमारे मीडिया कर्मी ने घायल से बात की, तो उसने अपना पता बताते हुए अपने परिजनों के नाम बताए। तो आखिर अस्पताल के स्टाफ की क्या मजबूरी थी जो उन्होंने युवक को रेफर कर दिया? क्या एक सर्जन के चलते? लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर विजय भार्गव खुद ही एक सर्जन है। और हैरानी की बात कि रेफर करने की जानकारी इंचार्ज साहब को ही नहीं है। बहरहाल, गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले घायल के परिजन 5 रुपए की रेफर पर्ची को लेकर घायल देशराज को टेम्पो व बस से अन्य किसी अस्पताल में लेकर गए। एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? फूलबाग एक्सीडेंट हुआ है। किस चीज से? पता नहीं। कहाँ जा रहे थे तुम? पैदल थे? किसी गाड़ी में थे तुम? पैदल था। वो एम्बुलेंस 108 में लेके आया था। वो लोगों ने हमारे डॉक्टर्स के किसी भी स्टाफ को हैंड ओवर किए बगैर पटक के यहाँ पे चले गए। मेरे डॉक्टर्स ने उसको इमीडिएटली ट्रीट किया, मैं भी गया वहाँ पे, मैंने भी एक्सपर्ट ओपिनियन देके उसका फटाफट ट्रीटमेंट किया। लेकिन इसके जो कान में जो इंजरी थी वो बहुत ज़्यादा और बहुत गहराई थी, होश में तो यहाँ इसी हॉस्पिटल में आ गया था। और जो हेड इंजरी का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो मैं करवा दिया था, खतरे से बाहर था वो वैसे भी। लेकिन जो कान की इंजरी जो थी वो काफ़ी गहरी थी, उसके लिए हमारे जो डॉक्टर थे ऑन ड्यूटी, उन्होंने उसको हायर सेंटर पर रेफर कर दिया। क्योंकि ये जो इंजरी थी उसके अंदर जो कान का जो अंदर का हिस्सा था वो भी इन्वॉल्व था। हमारे पास ईएनटी का कोई सर्जन है नहीं, इस कारण से मेरे डॉक्टर ने इसको भेजा दिया। तो आपने एक स्वाद का पता लगाया कि एक स्वाद तो अपने इलाके के आसपास क्षेत्र के लोग, उससे आपने पता किया होगा उसके खिलाफ कोई इंचार्ज वगैरह आते हैं? उस समय मैंने एक्चुअली मेरे डॉक्टर ने भी पुलिस को इन्फॉर्म किया फूलबाग पे, फिर मैंने भी किया। पुलिस काफ़ी लेट आई, मैं यहाँ पे 2:15 बजे तक था, लेकिन तब तक तो पुलिस आई नहीं थी। मैं थोड़ा पहले शब्दों में भी थाने में किया था, वहाँ कोई लेडी कॉन्स्टेबल या कोई थी, उसने टेलीफोन उठाया था। फिर उसने कहा कि मैं भी भिजवाती हूँ किसी को। ये जो इंजर्ड था वो डेढ़ था, 25 साल का एक लड़का था, जो बाल्मीकि मोहल्ला घटाल का रहने वाला था। ये हमें बाद में पता चला है, उस समय जब आया था उस समय तो लावारिस था लेकिन उसकी हमने अच्छी तरह से इलाज किया और उसको होश में आ गया था। जिस समय आया था उस समय तो उसके कन्वर्सन से भी आ रहे थे, कमेरे आ रहे थे, काफ़ी सीरियस लग रहा था, लेकिन विद इन 15-20 मिनट्स हमने उसको सेटल कर दिया था। तो इस केस में कहीं ना कहीं एक छोटे ड्राइवर और पुलिस के लापरवाही की है उनके साथ दिखाई देती है? नहीं, लापरवाही का तो ऐसा है कि टाइमली आ गए थे, इलाज तो सबका सही चल ही रहा था, इलाज तो सही हो गया था, स्थिति खतरे से बाहर थी। अब आगे का जो ट्रीटमेंट था उसके लिए उसके जो साथ के थे रिश्तेदार जो आगे थे वो आगे ले गए। भिवाड़ी में डीएसपी ऑफिस के पास कूड़े के ढेर में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। फूलबाग चौक पर डीएसपी कार्यालय के पास से एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना। संपूर्ण भारत में सोनोग्राफी की हड़ताल का असर भिवाड़ी में भी देखा गया।
सभी सोनोग्राफी सेंटरों पर खामोशी छाई रही। भिवाड़ी में सोनोग्राफी करवाने आए मरीजों को बिना अल्ट्रासाउंड करवाए ही निराश लौटना पड़ा। संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल को हड़ताल का आह्वान किया हुआ था, जिसमें भागीदारी निभाते हुए सभी ने अपने सेंटरों को बंद रखा। तो आखिर क्या मांगे हैं इनकी? डॉक्टरों को पीसी पनोट अधिनियम के अंतर्गत परेशान करने के विरोध में। इस अधिनियम में सुधार करने की मांग। किसी फार्म को भर देने के बाद अगर उसमें हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे अपराध नहीं मानने की मांग। और ऐसी कई मांगों के साथ सोनोग्राफी डॉक्टरों ने बंद में सहयोग किया। बुधवार को थाना अधिकारी सुनील लाल ने चौपान की थाने पर सीएलजी मीटिंग ली, जिसमें करीब 12 सदस्यों ने भाग लिया। सीएलजी मीटिंग में सदस्य रहमू ने प्रस्ताव रखा कि हरियाणा से जो बदमाश गोवंश लेकर निकलते हैं उन पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए, जिस पर थाना अधिकारी ने सदस्यों को आश्वासन दिया व सहयोग चाहा, तो सभी ने सहयोग करने की बात कही। फैक्ट्री एरिया में गश्त बढ़ाई जावे, जिस पर थाना अधिकारी ने गश्त को बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। अगली खबर शाहजहांपुर संभाग से, जहां अलवर जिले के शाहजहांपुर क्षेत्र के भोंगड़ा गांव में एक विवाहिता ने गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतिका के परिजन ने हत्या के लगाए आरोप। वरता अधिकारी तेजपाल सिंह ने बताया कि बांसुर थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी मृतका के पिता राजेश यादव ने मामला दर्ज कराया कि उसकी पुत्री सुलिंद्रा क्या मामला? यहाँ पास के गांव है भरवड़ा हीर, उसमें एक लेडी की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु की सूचना आई थी। उस पर पुलिस वहाँ पहुँच गए और उसको मोर्चे लाया गया है। डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करा रहे हैं, जिस तरह की सूरत होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर वास्तव में अपराध घटित हुआ है तो इन अकॉर्डिंग सब लोग कार्रवाई होगी। सर क्या मामला है? फांसी लगा के। सर कोई क्या समस्या थी जो फांसी लगाई? आपस में परिवार में झगड़े वगड़े की बात। अच्छा, पारिवारिक झगड़ा। तो ये पहले भी हुआ मामला? अभी हुआ, पहले तो पता नहीं। परिवार? अच्छा, अभी आज की। तो कब से लगाई थी इन्होंने? सुबह लगाई, करीब 9:30 बजे लगा। 9:30। आज समाचारों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।